मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवरात्र पर्व के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित शहीद स्मारक भवन में रामलीला के मंचन, कौशल्या के राम का आरती पूजन व दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भगवान श्री राम के नैनिहाल छत्तीसगढ़ के धरती में राम वन गमन पथ चंदखुरी स्थित माता कौशल्या के मंदिर को विकसित कर पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पहचान दी जाएगी। यहाँ माता कौशल्या के मायके और फिर चंदखुरी गांव में उनका मंदिर शिवरी नारायण चल्ली जी भगवान वहां विराजे हैं। वही बगल के गांव में सबरी के मंदिर जहां राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, वही खरौद है जो खरदूषण के राजधानी, वही तुरतुरिया जहां वाल्मीकि का आश्रम था जिसमें सीता माता को जब निकाल वन गमन हुआ था उनका, तो यही लवकुश का जन्म हुआ था। यहाँ लक्ष्मण के मंदिर जो हजारों साल पुराने, तो हमारे यहाँ राम ननिहाल होने के साथ साथ यदि रामायण काल में देखें तो 12 में से 10 साल तो हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने की। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद छाया वर्मा, विधायक मोहन मरकाम, जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष शारदा वर्मा सहित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आई पवन कुमार।